हर वर्ष कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली मनाई जाती है। इस साल ये त्यौहार 14 नवंबर को मनाया जाएगा। उस दिन दोस्तों बाल दिवस भी है, तो सारे बच्चे बाल दिवस भी मनाएंगे और दीपावली भी मनाएंगे। दीपावली के दिन धन की देवी लक्ष्मी एवं भगवान गणेश का पूजन होता है। राम राम दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और शुभचिंतक और बाबा की एक बहुत छोटी सी सेविका, जो अध्यात्म से जुड़े हुए रहस्यों को आप तक पहुंचाने का एक माध्यम मात्र हूं। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं बात करूंगी कि लक्ष्मी गणेश की मूर्ति खरीदते समय हमें किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। ज़्यादातर हम लोग दीपावली के दिन नई मूर्ति खरीदते हैं माता लक्ष्मी और गणेश जी की, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि नई मूर्ति खरीदने से एक आध्यात्मिक विचार का संचार होता है। नई मूर्ति लाने से घर में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। हमें मूर्ति खरीदते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मूर्ति जो है वो मिट्टी की बनी हो या धातु से बनी मूर्ति जो है उसकी भी आप पूजा कर सकते हैं। जैसे सोने चांदी से बनी हुई मूर्तियाँ जो होती हैं उसकी भी आप पूजा कर सकते हैं। मूर्ति खरीदते समय हमें कुछ बातों का ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सही मूर्ति खरीदने से दोस्तों आपकी दीपावली तो शुभ होगी होगी और माता की अपार कृपा आप पर सदा बनी रहेगी। इसलिए जो मैं आपको बातें बता रही हूँ उसे आप ध्यान से सुनिए। भगवान गणेश की अगर आप मूर्ति खरीद रहे हैं तो उसे खरीदते समय आप ध्यान में रखिए कि गणेश जी की जो सूंड है वो बाईं तरफ मुड़ी होनी चाहिए, क्योंकि दाईं तरफ मुड़ी सूंड जो होती है वो अच्छी नहीं मानी जाती, उसे शुभ नहीं माना जाता। और सूंड में बहुत ज़्यादा घुमाव भी नहीं होने चाहिए, वो भी पूजा के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती है। गणेश जी के हाथों में अगर लड्डू हों तो बहुत शुभ माना जाता है। ऐसी मूर्ति खरीदने से घर में सुख एवं जो है आपकी वैभव की वृद्धि होती है। लक्ष्मी माता की मूर्ति खरीदते समय आपको ध्यान में रखना है कि जो लक्ष्मी जी की मूर्ति हो वो उल्लू पर बैठी ना हो। ऐसी मूर्ति खरीदने से आपको सदा बचना चाहिए। माता लक्ष्मी की कमल पे बैठी हुई जो प्रतिमा होती है वो बहुत शुभ होती है। उसके साथ साथ आप ध्यान में रखिए कि एक हाथ उनका जो है आशीर्वाद देते हुए हो और दूसरे हाथ से धन की बारिश करते हुए दिखें। तो दोस्तों यकीन मानिए, ऐसी मूर्ति आपके घर की दरिद्रता को हमेशा के लिए मिटा देगी। कभी भी माता लक्ष्मी एवं गणेश जी की जो प्रतिमा है उसे एक साथ जुड़ी हुई ना खरीदें। दोनों जो विग्रह हैं उन्हें अलग अलग खरीदना चाहिए। जुड़ी हुई प्रतिमा जो है वो पूजा के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती। माता लक्ष्मी की प्रतिमा खरीदते समय आपको एक बात ध्यान में रखना है कि मूर्ति जो है वो मुस्कुराती स्थिति में हो, यानी कि माता के जो मुखड़े पे है वो सुंदरता होनी चाहिए, उनके होंठों पे मुस्कुराहट होनी चाहिए। रौद्र रूप वाली जो मूर्ति होती है माता लक्ष्मी की उसे आपको खरीदने से बचना चाहिए, क्योंकि जितनी सुंदर लक्ष्मी माता की प्रतिमा होगी उतना ही आपका जो धन वैभव बढ़ेगा। इसलिए आपको लक्ष्मी माता की सुंदर सी प्रतिमा खरीदनी है। लक्ष्मी माता की खड़ी अवस्था की मूर्ति आपको नहीं खरीदनी है। ऐसी मूर्ति की पूजा हमें नहीं करनी है दीपावली के दिन। भगवान का वैसे तो हर रूप प्यारा होता है, परंतु हमारे ग्रंथों में, हमारे पौराणिक जो ग्रंथ हैं उनमें जो ये बातें बताई गई हैं वो हमारे लिए कहीं ना कहीं बहुत उपयोगी होती हैं। अगर हम इनको ध्यान रखते हैं तो हमारे जो घर में है सुख शांति बनी रहती है। इसी के साथ मैं आज का वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर अपनी कृपा दृष्टि आपके ऊपर ऐसे ही बनाए रखे और माता लक्ष्मी आप पर सदा मेहरबान रहें। इसी के साथ जय श्री राम, जय बाबा की।